हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि किसी सीसीटीवी का एनवीआर डीवीआर या किसी सीसीटीवी का कैसे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। इस वीडियो में मैं करके दिखाने वाला हूं गाइस। जिस प्रकार से मैं करूंगा इसी प्रकार से आपको भी करना है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था, मैसेज आया था कि वो कि सीसीटीवी कैसे फॉरवर्डिंग करते हैं उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। तो गाइस, ये वीडियो सिर्फ सीसीटीवी और एनवीआर को लेके ही है और मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको अपने फायरवॉल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है रूल्स एंड पॉलिसीज पे। रूल्स एंड पॉलिसी पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको फायरवॉल रूल्स आएंगे और नेट रूल है, एसएसएल टीएलएस है। तो इसमें हमको अगर मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है तो हमको यहाँ पे ऐड रूल के ऊपर क्लिक करना है। ऐड रूल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्वर एक्सेस डीनेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एक रूल बनाएंगे। अब गाइस, यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट आईपी होस्ट, या तो आप अपना आईपी एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं या आईपी एड्रेस कोई होस्ट का है इंटरनल, आपका आईपी एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आईपी एड्रेस टाइप कर देता हूँ, लाइक मेरा एक डीबीआर है जिसका आईपी एड्रेस है 100, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। और इसका यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ एनवीआर या सीसीटीवी में रख देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से गाइड आपको करना है और इसको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट योर पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस ये पूछ रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ नया टैब ओपन कर दूँ। इनकेस आप यहाँ पे जैसे आपका कोई सीसीटीवी कोई फॉरवर्ड किया और उसका पब्लिक आईपी 101.1.2.1.100, इस तरह से आपका पब्लिक आईपी, फिर उसके बाद पोर्ट नंबर, ये डीवीआर का पोर्ट नंबर है। जैसे एक डीवीआर है जिसका अभी मैं 6400 ये पोर्ट नंबर है। अब आपको कहीं से बाहर एक्सेस करना है, अब यहाँ से आपका ये पब्लिक आईपी एड्रेस है और इसके बाद ये पोर्ट नंबर है। तो इसको कैसे करते हैं मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ इसमें। अभी पोर्ट नंबर के साथ फिर जहाँ से भी लॉगिन ब्राउज करेंगे आप, यहाँ पे ये आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो एनवीआर या डीवीआर या सीसीटीवी जो भी रहेगा वो ओपन हो जाएगा। तो अब यही चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला, तो यहाँ पे मुझे पब्लिक आईपी सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस है मेरा 91 का है, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है। सॉरी गाइस, पोर्ट भी मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने की बात पूछ रहा है सर्विसेज। अब सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या सर्विसेज करना है, मतलब आपको पिंग करना है या कुछ और एक्सेस करना है। तो आप यहाँ से मैं आपको एनी कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा थोड़ा बताने में भी। और आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई है और मैं इसको कर दूँगा सेव एंड फिनिश। तो गाइस, अभी हमने डीनेट रूल क्रिएट कर दिया किसी सीसीटीवी या एनवीआर को कैसे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। अभी मैं आपको इसमें और भी कुछ डिटेल बता दूंगा जैसे ये रूल क्रिएट हो जाएगा। इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया नहीं है, उसको मैं अभी बताऊंगा आपको। अब हमारा रूल्स क्रिएट हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते डीनेट का है और यहाँ पर पोर्ट भी। अब इसको मैं एडिट करता हूँ, मुझे इसमें दो पॉइंट्स थे जो मैंने आपको नहीं बताया है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं डीनेट टूल हमने सीसीटीवी के लिए बनाया है, ये रहा। यहाँ पर हमारा लॉक, इसको हम लॉक फायरवॉल ट्रैफिक इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, सोर्स जोन में हमारा बयान रहेगा, सोर्स नेटवर्क डिवाइसेस एनी रहेगा। और वापस हमको थोड़ा सा स्क्रॉल करना, डेस्टिनेशन पोर्ट लैन रहेगा और डेस्टिनेशन नेटवर्क पोर्ट भी हमारा इंटरफेस। अब यहाँ पर हमने सर्विसेस में एनी रखा है, यहाँ से हम इसको एनी हटा देंगे। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू करेंगे, क्रिएट न्यू करके सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सीसीटीवी मेटक। अब यहाँ पे आपको ना पोर्ट नंबर डालना है जिस पोर्ट को आप फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी 4000 पोर्ट फॉरवर्डिंग करना चाहता हूँ तो मैंने 4000 पोर्ट ऐड कर दिया, इसको कर देना है सेव आपको। तब ये हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दिया है इसी पर, और इसके करने पर इसको सेव कर देना आपको। इतना ही करना होता है गाइस और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस बताते हैं वो गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट इतना सिंपल करना है। अब आपको बाहर सक्सेस करना है तो आपको क्या करना, आपका फायरवॉल का जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो पब्लिक आईपी एड्रेस डालना है और यहाँ पे पोर्ट नंबर डाला और इसको ब्राउज कर देना है। जैसे ब्राउज करेंगे वो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको दे देगा। सो गाइज, आपको आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने डिटेल बताया वो समझ में आ गई होगी और इसी प्रकार से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो गाइज, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।